नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 40,990 की और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से लगभग 308 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। ये लास्ट डे की क्लोजिंग थी, अभी हम यहाँ पे आके क्लोज हुए हैं। बैंक निफ्टी फिलहाल एक रेंज बना के चल रहा है। ये रेंज नीचे की साइड में जो रेंज है वो है यहाँ पे 40,800, ऊपर की साइड में जो रेंज है वो है 41,550 की। इसी रेंज के बीच में बैंक निफ्टी ये 700 पॉइंट की रेंज के अंदर में बैंक निफ्टी फिलहाल पे ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी जो पिछला हाई लगा हुआ था ना उसी हाई के आसपास यहां पे आके स्ट्रगल कर रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो NR7 यहां पे बना था और NR7 जो यहां पे बना था, यहां पे देखिए तो यहां पे काफी टॉप पे काफी वोलेटिलिटी यहां पे हुई थी, लेकिन यहां पे देखिए टॉप के पास पहुंच के हम 700 पॉइंट की रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर रहे हैं और यहां पे एक पैटर्न तैयार हो रहा है, वो है NR4। NR7 की वीडियो मैंने डाल दी है तो उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा और NR4 की वीडियो में नेक्स्ट वीक आप लोग के लिए डाल दूंगा। ध्यान रखिएगा, NR4 NR7 से ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ज़्यादा खतरनाक मूव करता है, तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। NR4 पैटर्न यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट है। अब NR4 ये अप्लाई कब होगा, ध्यान रखिएगा, ये NR4 अप्लाई होगा 41,555 के ऊपर या फिर नीचे की साइड में देखेंगे तो 40,800 के नीचे ये अप्लाई होगा और यहाँ से जिस साइड में भी ये ब्रेक करता है यहाँ पे जो हमारा टारगेट होगा वो 1,000 से लेकर के 1500 ये हमारा टारगेट होगा और ये मूव काफी फास्ट मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये मूव जो होगा वो काफी फास्ट मूव यहां से मिलेगा क्योंकि NR7 के बाद ये NR4 बन रहा है, तो इसकी कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा NR4 की, तो वहां पे डिटेल से आप लोग को बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमें वहां पे अप्लाई करनी पड़ती है। तो डेली चार्ट में आपको ये समझ में आ गया। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम कल किस तरीके से मंडे के सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारा फ्री लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा फ्री लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, तो जो भी कोर्स है वो फ्री है। साल में एक बार मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन की फ्री ट्रेनिंग देता हूं उन लोगों को जो जिन लोगों ने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो जब नेक्स्ट ईयर ट्रेनिंग होगी तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो इस पे ध्यान रखिएगा, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, ना ही मैं कोई पेड टिप प्रोवाइड करता हूँ। जो भी चीज़ें हैं फ्री में, हमारा जो चैनल है घनश्याम टेक एनालिसिस, लगभग उसमें 3.5 लाख मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर फ्री में मैं कुछ चार्ट, अपने व्यू, इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अब यहाँ पे देखिए, पिछले 3 दिन, ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा लिया है, तो पिछले 3 दिन से यहाँ पे देखेंगे 24 को, 27 को, 28 को, मार्केट एक रेंज के अंदर में ही चल रहा है। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा कोई बड़ी मूवमेंट यहाँ पे होने वाली नहीं है। इस बड़ी मूवमेंट के लिए मार्केट को इस रेंज में या तो ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में ब्रेक करना पड़ेगा। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कल के सेशन में, अगर मार्केट कल इस रेंज के अंदर में ओपन होता है, ये जो रेंज है 800 से लेकर के यहाँ पे 41,100, अगर मार्केट इसी जोन में कहीं पे ओपन हो जाए, ये 250-300 पॉइंट के अंदर में कहीं पे ओपन हो जाए और जैसे ही मार्केट यहाँ पे 41,122 के लेवल को क्रॉस करेगा, यहाँ पे बैंक निफ्टी एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है, जो कि इसका टारगेट निकल के आएगा 41,280 का। सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पे 41,420 का और थर्ड टारगेट होगा 41,555 का। ये 3 टारगेट बैंक निफ्टी में निकल के आएंगे अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होके 122 के लेवल को क्रॉस करता है। तो अगर मार्केट इसी जगह पे ओपन होने के साथ में बैंक निफ्टी अगर नीचे की साइड में 40,800 के लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे नीचे की साइड के मूवमेंट हमें दिख सकते हैं, जो मूवमेंट होगी 40,680 की, सेकंड होगा 40,500 का और थर्ड होगा हमारा 40,380 का। ये 3 लेवल आपको नीचे की साइड में भी देखने को मिल सकते हैं अगर हम इसी जोन में ओपन होते हैं तब। ध्यान रखिएगा, मार्केट कहाँ पे ओपन होगा ये हमें डिसाइड नहीं करना है, ना हम डिसाइड कर सकते हैं, ये तो मार्केट खुद बताएगा आपको कि कहाँ पे ओपन होगा, उसके बाद हमें अपना डिसीजन लेना पड़ता है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो यूज़ करना पड़ता है। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से 300-400 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाता है और ओपन होता है कहाँ पे 41,500 के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ी सी नज़र आप बना के रखिएगा। यहाँ पे जब तक कोई प्राइस एक्शन नहीं बनेगा ना, तब तक आप यहाँ पे ट्रेड मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमें ज़रूरत है प्राइस एक्शन की, जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तब तक ऊपर या नीचे कोई भी ट्रेड यहाँ पर मत लीजिएगा। तो शुरुआती अगर 400-500 पॉइंट हम गैप अप ओपन होते हैं
तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 500 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद में डायरेक्ट ट्रेड लेने का मतलब है कि आप वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 3 बार से इसको ये रेजिस्टेंस मान के चल रहा है। अगर इसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हम कंसोलिडेट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 15-20 मिनट हमने कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड में ब्रेक किया, तो जो भी रेंज बनेगी ना, उस रेंज का जो लो होगा वो हम ऐसे लगा के यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी क्वांटिटी में बाइंग करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद में ज़्यादा स्कोप ऊपर का नहीं रहेगा। तो ये नज़र बना के रखिएगा कि छोटी क्वांटिटी में बाइंग कीजिएगा, बाइंग करना है तो छोटी, लेकिन अगर इसी रेंज में ये इसी जगह पे अगर कोई रेंज बना के ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो हो सकता है यहाँ पे 41,200 और उसके बाद 40,000 के लेवल भी यहाँ पे दिखा सकता है, अगर रेंज बना के ये नीचे की साइड में निकलता है तब। यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा, बहुत बड़ा गैप डाउन इस जोन के आसपास में कहीं पर 40,500 40,600 के आसपास में ये सपोर्ट का काम करेगा, ये जो जोन है वो सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर कोई पहली कैंडल हैमर कैंडल बनती है तो उसी के लो का पहली दूसरी तीसरी कोई भी हैमर कैंडल अगर यहाँ पे बन जाए, उसके बाद उसी लो का ऐसे लगा के आप बैंक निफ्टी को यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और टारगेट देख सकते हैं। पहला टारगेट 40,800 का और दूसरा टारगेट यहाँ पे 40,990 का, ये दो टारगेट के लिए आप बैंक निफ्टी देख सकते हैं अगर हम बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होते हैं तब। ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटीज़ ये है कि मार्केट शायद इस रेंज को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, जिस हिसाब से ये मार्केट चल रहा है मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट इस रेंज को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि NR4 पैटर्न बहुत इफेक्टिव पैटर्न होता है, तो उस पर थोड़ी सी नज़र बना के आप लोग रखिएगा। डिटेल्स वीडियो में नेक्स्ट सैटरडे को आप लोग के लिए NR4 की जरूर डाल दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।